बिल्कुल, और यही सबसे बड़ी खबर इस वक्त की है जिसको हम आगे बढ़ाएंगे। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर जारी तनाव को कम करने में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की बड़ी भूमिका सामने आ रही है। डोभाल ने चीन के विदेश मंत्री वोंग यी के साथ रविवार को वीडियो कॉलिंग की थी, जिसके बाद उन्होंने बातचीत की थी। दोनों के बीच शांति बहाल करने पर एक लंबी बातचीत हुई, साथ ही काम करने पर भी चर्चा हुई है, यानी कि चीन और भारत साथ में मिलकर काम करें इस पर भी बातचीत हुई है। डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वोंग यी ने इस बात पर चर्चा की है कि भविष्य में गलवान जैसी हिंसक झड़प ना हो। तो ये जो बड़ी खबर सामने आई है चीन के पीछे हटने की, ये जो खबर आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि चीन ने अपने टेंट्स हटा लिए हैं, अपनी गाड़ी और अपने फौजियों के साथ वो पीछे 1 किलोमीटर तक हट चुका है। बिल्कुल, और ये बड़ी खबर बॉर्डर इलाके से। लेकिन वैसे तो आपको ये भी बता दें कि हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, ये तो ये जो अजीत डोभाल की बात हुई, इस बातचीत की वजह से चीन ने ऐसा कदम उठाया है क्योंकि शांतिपूर्वक हालात बने रहे, 15 जून जैसी घटना दोबारा ना हो, यही वजह है? मंजीत, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारे साथ श्वेता सिंह भी इस वक्त मौजूद हैं। श्वेता, जिस तरह से चीन ने यह कदम उठाया है और इसे स्वीकार भी किया है कि पीछे हटे हैं, अब क्या मैसेजिंग यहां से जाती है आगे? देखिए मीनाक्षी, एनालिसिस अलग अलग भले ही इसका हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से चौतरफा चीन के ऊपर दबाव पड़ रहा है, अव्वल सैन्य तरीके से भारत जितनी मजबूती से रहा है, चाइना को भी मालूम है कि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। जो वो धौंस भले ही दे दो तुम 62 का, लेकिन असलियत ग्राउंड की तो यही है ना कि 2020 की सेना अलग है। दूसरा कि बातचीत में भारत इंसिस्ट करता रहा कि हमें एक फेज्ड आउट आपका जो प्लान है वो पूरा चाहिए, चाइना ने इसीलिए अब सार्वजनिक तौर पर बताना शुरू किया है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कूटनीतिक दबाव जो चीन पर पड़ रहा है कि आप किस तरीके से, पूरी दुनिया की निगाहें उसके ऊपर हैं, अमेरिका ने यहां तक कह दिया कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है चीन की, एशिया के बाकी देशों के लिए, इसीलिए हम अपने सैनिकों की संख्या यहां बढ़ा देंगे। और उस पर अजीत डोभाल की जो बातचीत की प्रक्रिया, वो तो हालांकि चूंकि आज ही हुई, कल इसके बारे में निर्णय हुआ कि इस तरह के की बातचीत होनी चाहिए दोनों देशों के बीच। अजीत डोभाल इस चीज के लिए जाने जाते रहे हैं कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों में से किस तरीके से एक रास्ता निकाल कर ले आते हैं।